नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, और इस वक्त की बड़ी खबर है रामनगर से। मजदूरों की झोपड़ियों में लगी आग, 40 से अधिक झोपड़ियां जलकर हुई खाक। 3 गैस सिलेंडर फटने से आग हुई बेकाबू, लोगों ने भागकर बचाई जान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर रामनगर से, जहां दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई है, 40 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 3 गैस सिलेंडर फटने से आग बेकाबू हो गई और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर रामनगर से है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजदूरों के झोपड़े में आग लग गई है, क्या कुछ जनहानि की कोई सूचना? नहीं मैडम, बता दें कि रामनगर खालू स्थित नई बस्ती में अचानक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे कि 40 से अधिक झोपड़ियां जल गई, जिससे कि मजदूरों ने अपनी जान को बचाने के लिए दौड़े वहां से। जी, वहां पे फिलहाल दमकल की गाड़ियों के साथ और कौन प्रशासन मौजूद है, क्या कुछ कहना है वहाँ पर? वहाँ पे मैडम अग्निशमन की गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ पहुँच गई थी, जिनने आग को काबू पाया, जो कि इसमें वहाँ पे कोई कर्म और सरकारी दफ्तर के आदमी कोई मौजूद नहीं थी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से किए गए ट्वीट पर बीजेपी के पलटवार किया है। बता दें कि रावत का ट्वीट कर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर था। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देने की चेतावनी दी थी। इस बात का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अजय भट्ट ने कहा है कि जब रावत धरने पर बैठेंगे तो हम भी जवाब दे देंगे कि जिन समस्याओं को लेकर आप धरना देने वाले हैं, वास्तव में वे समस्याएं आप ही की ओर से खरीदी गई हैं। करना चाहिए तब हम भी बताएंगे सारे लोग कि ये सब आपकी ही प्रॉब्लम खड़ी की हुई है, गन्ने वाली हो चाहे अन्य चीज हो, आपके जमाने से ये चीजें नहीं हुई हैं। तो अब हमारी सरकार ने सॉल्व किया है, गन्ने का पूरा भुगतान जनवरी तक का पूरा पेमेंट कर दिया है और इधर का पेमेंट होने प्रोसेस में है। जैसे ही यहाँ पर अभी आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो वो आ जाएगा, फाइल भी लगभग तैयार हो गई, मैंने भी पता। उत्तराखंड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रदेश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना स्वास्थ्य महकमे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भविष्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महकमे की क्या कुछ कार्य योजना है और महकमा कैसे आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाएगा, इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रविंद्र थपलियास के से खास बातचीत की। चिकित्सा के क्षेत्र में महकमा किस रूप में काम कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ टारगेट हैं, इन तमाम विषयों पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए समय हमारे साथ न्यूज इंडिया पर डॉक्टर रविंद्र थपलियाल मौजूद हैं, जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। सर, 1.5 महीने का आपका अभी तक का कार्यकाल हुआ है, क्या कुछ टारगेट हैं भविष्य के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किस रूप में इसको बेहतर बनाएंगे? देखिए, सबसे पहला टारगेट तो यही है कि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में हमें डॉक्टर्स की जो है वो हमको उनकी पोस्टिंग्स वगैरह करें,
दूसरा ये है कि जब डॉक्टर्स की वहाँ पोस्टिंग करें तो उसी संदर्भ में जो है जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं उसमें दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध रहें, हमारा जो पैरामेडिक्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है वो रहे, और हमारी जो 108 की जो अब तक सेवाएं थी जो कि अब निकट भविष्य में कैंप जो है वो लेने वाला है, कैंप कंपनी लेने वाली है, तो वो भी जो है वो अपना कार्य जो है पूरे अच्छे तरीके से करें। ये हम लोगों की जो है चुनौती रहेगी और इसको हम पूर्ण करेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारी है महकमे की? देखिए, चार धाम यात्रा को लेकर के हम लोगों ने जो है वो जितने CMOs थे उन सब की मीटिंग की थी, और जो हमारे चार धाम यात्रा में खासतौर से जिन CMOs का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ डॉक्टर्स की पोस्टिंग हमने की है, एक्स्ट्रा पोस्टिंग की है, जिसमें जनरल डॉक्टर्स अलग हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अलग हैं, और ये जो डॉक्टर्स की पोस्टिंग है वो हमने गढ़वाल के फुट ऑफ हिल से करी है, और जो कुमाऊँ का क्षेत्र है हमारा वहाँ से हमने इनकी पोस्टिंग्स की है। उसके अतिरिक्त जो है वो हमारे जो पैरामेडिक्स है जैसा फार्मेसिस्ट वगैरह हैं इनकी पोस्टिंग वगैरह की है, और अलग अलग जिलों में इनकी पोस्टिंग की गई है जिसकी सूची जो है वो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जा चुकी है। OPD को भी अब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में लाने का जो तैयारी है आप लोग, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी यदि अपनी क्लिनिक वगैरह इस्टेब्लिश करता है तो उसको भी जो है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है वो लाया जाएगा, और इसमें जो है उसे पहले टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तत्पश्चात साल भर के पश्चात जो है वो अपना इसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले लेगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अस्पतालों का विलय होगा, उच्चीकरण होगा, इस दिशा में क्या कुछ रोड मैप तैयार किया आप लोगों ने? जी, इस उसमें संदर्भ में जो है वो हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से जिले में जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय हैं जिनको एक किया जा सकता हो, यदि किन्हीं परिस्थितियों में यदि अलग हैं, काफ़ी दूर हैं, तो वो तो उस दशा में तो फ़र्क है, लेकिन कोशिश ये किया जाएगा उनको विलय करके तब उनका जो है एक ही जो है अधिकारी होगा जिससे संचालन में आसानी होगी। सर, महत्वपूर्ण सवाल, मुख्यमंत्री ने सचिवालय में खुद आयुष्मान योजना को लेकर मीटिंग ली तमाम अधिकारियों के साथ में, कुछ गड़बड़ियां सामने आई, भविष्य में ऐसी गड़बड़ी ना हो इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश आपके नेतृत्व में दिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अटल आयुष्मान की जहाँ तक सवाल है इसके लिए जो है वो अलग से एक अधिकारी उन्होंने नियुक्त भी किया हुआ है, और वो एक बेसिकली एक ट्रस्ट है। इसके लिए हमने अपने CMOs को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी डॉक्टर्स का हॉस्पिटल्स का एम्पलमेंट होता है हमारे उसमें, तो ये सुनिश्चित कर लें कि ऐसा तो नहीं कि कोई सरकारी तंत्र में कोई डॉक्टर जो है वो कार्यरत हो और उसका अपना नर्सिंग होम हो और वो सरकारी चिकित्सालय से अपने नर्सिंग होम में पेशेंट जो है वो रिफ़र करें, ऐसा ना हो इस बात को सुनिश्चित किया जाए। सर, न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमने बात की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के महानिदेशक डॉक्टर रविंद्र थपलियाल से। स्पष्ट रूप से डॉक्टर थपलियाल ने कहा कि भविष्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और व्यापक सुधार किए जाएंगे। अपने कैमरा पर्सन विनय कैंथुला के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। GVK AMRI 108 आपातकालीन सेवा का करार 11 साल बाद राज्य सरकार के साथ खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी 108 कर्मचारी नौकरी जाने के डर से जहां घबराए हुए हैं, वहीं सरकार से लगातार गुजारिश भी कर रहे हैं कि उन्हें कहीं और समायोजित किया जाए। इस मामले को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने प्रदेश के दूर दराज से आए 108 कर्मचारियों से खास बातचीत की। प्रदेश में 108 के पहिए थम चुके हैं और 108 के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई कंपनी में भी उन्हें समायोजित किया जाए। बहुत सारे 108 कर्मचारी हैं जो कि फील्ड कर्मचारी हमारे साथ इस समय न्यूज़ इंडिया पर मौजूद हैं। एक एक करके सबके पास जाएंगे और जानेंगे उनकी दुविधा क्या है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? सर, मैं बागेश्वर से, मनोज चौधरी, जिला अध्यक्ष बागेश्वर। अच्छा, 108 में कर रहे थे आप? जी सर। अच्छा। EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। जी, तो क्या समस्या आ रही है आप लोगों की रोजी रोटी पर? 30 तारीख के बाद क्या करेंगे आप लोग? सर, समस्या है, समस्या है, हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। सब लोग बोल रहे हैं लेकिन ऐसे ना ही लिखित में दिया जा रहा, ना ही कुछ सही निर्णय मिल रहा है कि हम लोगों के लिए कुछ सोचे। ना सरकार सोच रही है, ना कंपनी द्वारा सोचा जा रहा। सरकार ने तो करार किया था, तो सरकार के इस कदम को आप लोग गलत क्यों मान रहे हैं?
ये तो करार खत्म हो रहा है सरकार का। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि करार खत्म हो रहा है, और मैं इसमें भी बताना चाहता हूँ कि शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जिन कर्मचारियों ने 11 साल तक इसमें उत्तराखंड राज्य के अंदर जीवनदान का काम किया है, आज आपने केवल टेंडर की शर्त के हिसाब से उनको बेरोजगार करने जा रहे हैं, उनको प्लान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरा, मैं देखने आपको एक चीज़ और संज्ञान में डालना चाहता हूँ, जो कैम्प कंपनी है उनकी अभी भर्ती चल रही है, और आप देख रहे हैं अभी प्रदेश के अंदर मात्र 7 दिन उन्होंने अभी हैंड ट्रेनिंग का काम स्टार्ट किया, और प्रदेश के अंदर 4 नई एम्बुलेंस, लाखों की एम्बुलेंस इन्होंने ये एक्सीडेंट करते जा रहे हैं। जो फार्मासिस्ट की, जो टेक्नीशियन की जो भर्ती हो रही है, जो ये पुराने कर्मचारी है, इसको सरकार ने इनको 53 दिन की ट्रेनिंग करवाई है, और खासकर प्रसव केस के लिए करवाई, क्योंकि हमारा ये दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र है, और आप देख रहे हैं कि 10,500 से ज़्यादा बच्चों जन्म इन लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर करवाया, क्योंकि जो नई कंपनी मात्र 3 दिन की थ्योरी करवा के इसे फील्ड में उतारने वाली है। मैं चेताना चाहता हूँ सरकार को और जनता को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आप गर्भवती माताएँ बहनें जो हमारी होंगी, जब इनको आपको प्रसव कराने का अनुभव ही नहीं होगा, तो आप उनके जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाले हैं, और ये सरकार को सोचना चाहिए, जिन्होंने जीवन दान बनाया उनकी बातें सुननी चाहिए, टेंडर हो रहा है, लेकिन मानवता के आधार पर इन सबको रखना चाहिए। आपको लगता है कि 11 साल का आपका जो अनुभव है उसका लाभ सरकार को लेना चाहिए, भले ही नई कंपनी के साथ करार हुआ हो? बिल्कुल लेना चाहिए सर, उसका लाभ तो बिल्कुल लेना चाहिए, और जनता के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो नए लड़के जा रहे हैं फील्ड में, वो किसी भी तरह की सेवा नहीं दे पाएंगे, जिस तरह से हम सेवा कर रहे थे जनता की बहुत अच्छे ढंग से। हमें तो घर पर जाके भी प्रसव करवाए, कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं कि हमको जाना पड़ा है घर पर। इस स्थिति में महिला होती थी कि वो रोड तक भी नहीं आ पाए, तो हमने घर में जाके भी प्रसव किया। तो जो बंदा 3 दिन की ट्रेनिंग लेके जाएगा, इस तरह की वो हैंडल कर पाएगा इमरजेंसी को? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा लाभ तो लेना ही चाहिए, और जनता के लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा। आपको लगता है कि सरकार जो है बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, और 900 की संख्या में अगर रोजगार छिन जाएंगे तो बहुत ही अफसोस की बात है? जी सर, सरकार एक तरफ पलायन आयोग बना रही है, और दूसरी तरफ इतने लोगों को बेरोजगार कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो सर पलायन रोकने के लिए जो 108 कर्मचारी हैं इनको भी रोकना, कहीं ना कहीं तो सरकार को सोचना चाहिए सर इस बारे में। अच्छा, कांग्रेस ने सपोर्ट की बात की है कि आप लोगों के पक्ष में, वो कल चीफ सेक्रेटरी से भी बातचीत की, क्या कह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया और मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। लोकतंत्र में हम किसी पार्टी वादी नहीं करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि हम यहाँ सारे कर्मचारी जनता के हैं, ये जनता उत्तराखंड राज्य के अंदर है, कोई भी पार्टी है हम उनका स्वागत करते हैं, इसमें कांग्रेस और भाजपा कोई विपक्ष पक्ष का हम इसकी मांग नहीं करते, लेकिन अगर वो हमारा समर्थन करते हैं हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता परेशान होने वाली, 717 कर्मचारी जो इनके परिवार हैं ये बेरोजगार होने वाले, पलायन करने को मजबूर होंगे, और कांग्रेस ने कहा है कि हम इनके हमारे साथ पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, तो वो भी एक अच्छी पहल है। तो जाहिर तौर पर तमाम 108 के फील्ड कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एक तरफ रोजगार की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन 900 की संख्या में जब तमाम फील्ड कर्मचारी 108 के बेरोजगार हो जाएंगे तो ये चिंता की बात है। ऐसे में सरकार के सामने भी बीच का रास्ता निकालने की एक चुनौती होगी, ताकि इन तमाम लोगों को राहत मिल सके। अपने कैमरा पर्सन विनय कैंथुला के साथ में रोहित विक्रम सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। जहां एक और देश में गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया गया है, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी में गौमाता किसी आवारा पशु की तरह भटकती नजर आती है, जिसे शहर में यातायात मार्ग भी अक्सर बाधित होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस मामले पर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। देखे जा रहे हैं, ये पशुपालकों द्वारा ही परित्यक्त किए हुए पशु हैं, और इनकी संख्या रोकने के लिए हम डेयरी ओनर्स को नोटिस दे रहे हैं, और जो कांजी हाउस में जितने पशुओं के रहने की व्यवस्था है उससे कुछ ज़्यादा ही संख्या में हमारे पास पशु हैं, और इसकी वजह से हमने एक नए वृहद गौसदन के निर्माण के लिए भी भूमि चिन्हित कर ली है निगम ने, और उस पर जो इनके शेड और भवन निर्माण की व्यवस्था है उसके लिए बजट मांग प्रस्ताव। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले माल्टो की पैदावार की में साल दर साल गिरावट देखने को मिल रही है। माल्टा पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिकी का मुख्य आधार रहा है, लेकिन लगातार हो रही मौसम की मार और उचित देखभाल न होने से इसकी उत्पादन में भारी कमी आने लगी है। पोड़ी और उसके आसपास के इलाकों में लंबे समय में से माल्टा ग्रामीणों की आर्थिकी का साधन रहा है। पोड़ी के फल संरक्षण विभाग के प्रभारी भी माल्टे की कम पैदावार से चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही और कोई ध्यान नहीं दिया गया तो पोड़ी जिले के सबसे पसंदीदा फलों में से एक माल्टा कुछ सालों में विलुप्त हो जाएगा। कालाढूंगे में कमोला मिलिट्री कमांडर के पास जंगल से तेंदुए के 3 शावक निकलकर मिलिट्री
मिलिट्री गेट की तरफ आ गए, जिसके बाद मिलिट्री के कैप्टन ने अपने एक फार्म में सुरक्षित रखकर वन विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने तीनों शावकों को जंगल में रखकर छोड़ दिया। रुड़की में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर कहा कि फीस बढ़ोतरी करना जरूरी होता है और उसके बदले स्कूल बेहतर से बेहतर सुविधाएं बच्चों को देने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अभिभावक स्कूलों का माहौल खराब करने के लिए हंगामा करते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर कुछ अभिभावकों ने हंगामा किया था, जिसके बाद रुड़की के निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने प्रेसवार्ता कर अपनी बात रखी है। बात ही अभिभावकों तक जानी चाहिए, प्रशासन तक जानी चाहिए कि जो रोज रोज स्कूल में जाके अभिभावक दंगा करते हैं, अपनी बात को बनाने के लिए प्रेशर में लेकर कोशिश करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को हमारी बात किसी न किसी स्तर पर सुननी चाहिए, उसको मानना चाहिए। अभिभावकों की गलती नहीं है, कम से कम बात तो हमसे एक बार कर सकते हैं कि स्कूल ने इसकी परसेंट फीस बढ़ाई है, किस फंड में बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है, कोई बात करने नहीं आता। 5-7, 20-25 लोग इकट्ठा होते हैं स्कूल के बाहर, अपनी मोर्चा बनाते हैं। उत्तराखंड के जसपुर में एक सड़क हादसे में एक डीसीएम चालक की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब नादेही रोड पर खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रोली से जा टकराई, जिसके बाद गंभीर अवस्था में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के भाई ने ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जसपुर रोड पे एक सुबह एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी सड़क के किनारे, जिसमें पंचर हो रखा था। सुबह करीब 4:30 बजे के करीब एक ट्रक ने उसमें आके पीछे से टक्कर लगी, जिससे ट्रक ड्राइवर घायल हो गया पूरी तरह से, जिसको हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ उसकी डेथ हो गई। जो ट्रक ड्राइवर है उसका नाम सोमपाल है, जो जुटपुर का रहने वाला है। पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर उसको मोर्चा भी जाना है। जो मृतक है उसके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभी पंजीकृत किया जा रहा है। ट्रॉली का जो चालक है वो मौके से फरार हो गया है, लेकिन उसका पता चल गया है कौन है, और ट्रैक्टर ट्रॉली के जो मालिक है उसको मिल गया, जो ट्रॉली को कब्जे में ले। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेशक के लिए अब प्रदेश सरकार मैदानी जनपदों में भी भूमि की सीलिंग हटाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को चढ़ाने के लिए वहां भूमि की सीलिंग को पहले ही खत्म कर दिया है, जिसके लिए सरकार ने उत्तराखंड में संशोधन हो चुका है। अब सरकार मैदानी जनपदों के लिए ही ऐसा कानूनी संशोधन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए वो आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक भी ला सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो इन्वेस्टर्स समीट के बाद निवेशकों ने प्रदेश सरकार से 1.24 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए थे, लेकिन निवेश की राह में सबसे बड़ी अड़चन प्रदेश में भूमि की उपलब्धता है। सरकार निवेश की राह में भूमि की उपलब्धता की राह में सभी तरह की रुकावटों को जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहती है। चमोली जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए कुल 29 टेबल लगाई जाएगी। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा के लिए 11, थराली और कर्णप्रयाग के लिए 9-9 टेबल लगाई जाएगी। बद्रीनाथ में 18 राउंड, थराली और कर्णप्रयाग की मतगणना 20 राउंड में मतगणना की जाएगी। इसके लिए 98 गणना सुपरवाइजर, 62 गणना सहायक तथा 81 माइक्रो ऑब्जर्वर्स सहित 241 कार्मिकों की नियुक्ति कर पहला प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना के ठीक पहले प्रेषक और जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में मतगणना कार्मिक का रेंडमाइजेशन के माध्यम से विधानसभावार टेबल आवंटित की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
श्री यशवंत सिंह चौहान जी के आदेश अनुसार आज हमारा थाना श्री बद्रीनाथ हनुमान चट्टी से यहाँ शिफ्ट हो गया है और आज हमने विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके थाना का हमने खोल दिया है। आज नैनीताल के राजभवन का 118वां जन्मदिन है। इस अवसर पर तल्लीताल के स्कूली छात्र छात्राओं को जाने माने इतिहासकार अजय रावत ने नैनीताल और राजभवन के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने शहर और प्रदेश को साफ करने के लिए छात्रों को अपने आप से शुरू करने को कहा। साथ ही राजभवन के जन्मदिन के मौके पर प्रतिष्ठित मनु महारानी होटल ने कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।